गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स, और उसी में एक क्वेश्चन आया था हमें कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन भी, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज़ करते हैं प्रोटीन बनाते वक्त, है ना। नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी एक्सक्रिएट करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, अगर उनको सफिशिएंट हो गया तो उसका एक्सेस करते हैं वो। तो ये प्रोटीन, ये जो नाइट्रोजन है ये उनको मिलता कैसे है, ये आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि मतलब प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आता है। तो हम पहले देखते हैं बेसिक्स। तो इसमें लिखा है कि प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आपके प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या, कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है, और ये कहाँ से मतलब किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब ये प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मदद से। ये चार चीज़ों से आपका प्रोटीन बनता है। सो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन्स के लिए उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन हमारे एयर में तो होता है, एयर कंटेन्स गैशियस नाइट्रोजन। हाउ एवर प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज गैशियस नाइट्रोजन, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट इज कन्वर्टेड इंटू कंपाउंड्स। क्या देखिए, नाइट्रोजन जो है वो गैस, नाइट्रोजन गैस एयर में भी अवेलेबल होती है, लेकिन प्लांट्स एयर वाला नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको अगर यूटिलाइजेशन के लिए, उनको प्रोटीन बनाने के लिए अगर नाइट्रोजन चाहिए तो उसे फिक्स करके कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स। उन्हें कंपाउंड फॉर्मेशन में ही नाइट्रोजन यूज़ करते हैं आपके प्लांट्स। सो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमोस्फेरिक मेथड्स। तो अभी ये जो फिक्सेशन है एंड नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है और एटमॉस्फेरिक मेथड से होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है। पहला मतलब दो मेथड से होता है ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का क्या प्रोसेस है हम देखते हैं। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, ठीक है। माइक्रो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करने के काम करते हैं। तो उसमें क्या है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन्स राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है लेगेमिनस प्लांट है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसको बोलते हैं लेगेमिनस प्लांट्स। और ये लेगेमिनस प्लांट्स के रूट्स जो हमारे सॉइल के अंदर होते हैं, रूट नोड्यूल्स, तो ये रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगेमिनस प्लांट कंटेन राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट अ कंपाउंड। क्या ये क्या करता है, ये जो लेगेमिनस प्लांट्स का जो रूट है, ये इसमें जो राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ये राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से मतलब आपकी एयर से नाइट्रोजन लेके उसे कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, और नाइट्रेट आपका क्या है, नाइट्रोजन का ही फॉर्म है, कंपाउंड फॉर्म जो है कि नाइट्रेट बोला जाता है, वो एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कन्वर्ट करता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। एंड नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन सॉइल, दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स। अभी ये तो हमने लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल लिया, लेकिन दूसरे प्लांट्स के इसमें क्या होता है, तो
एजोटोबैक्टर ये है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है जो आपके सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। एजोटोबैक्टर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपके सॉइल में पाया जाता है जो कि बाहर की एयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, जो कि होता है आपका कंपाउंड, और वही नाइट्रोजन आपका प्लांट्स के लिए यूज़फुल होता है। और प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स, अपने लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमने देखे थे कि दो मेथड होते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के, एक था बायोलॉजिकल जो कि अभी हमने देखा, और दूसरा क्या है? एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। तो अब हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइटनिंग ऑकर इन द रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में क्या होती है? बिजलियाँ कड़कती है, ठीक है। दिस कॉजेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब क्या होता है? बिजली कड़कने के वजह से, रेनी सीज़न में जब बिजली कड़कती है, इसके वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी जो एयर में हमारा नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। दिस कॉजेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर। ये क्या होता है? आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिजली कड़कने के वजह से रेनी सीजन में रिएक्ट करते हैं आपस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विथ ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके आपको क्या बनाता है? ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NO। बट ये जो NO है ये अगेन ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइजेशन है ना, क्या कि वापस से वो एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके आपका क्या कंपाउंड बनाता है? बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन रेन वाटर एंड इज कन्वर्टेड टू नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो रेनी सीजन में लाइटनिंग के वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने के वजह से, रिएक्ट होने के वजह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, ये आपके क्योंकि रेनी सीजन में बारिश के वजह से रेन वाटर से रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके रेन वाटर से कंबाइन होता है। और रेन वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो ये रेन वाटर से कंबाइन होके आपका बनाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन गया फिर? HNO3। तो नाइट्रिक एसिड फिर से क्या हो गया? ये हो गया आपका कंपाउंड जो कि हमको चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए, विच गेट्स एडेड टू द सॉइल। अभी ये बारिश है तो वो पानी टपक के ना आपका नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया नाइट्रिक एसिड में HNO3, विच गेट्स एडेड टू द सॉइल अलॉन्ग विथ रेन वाटर। रेन वाटर के साथ वो सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड प्लांट यूजेस दिस नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स क्या करते हैं? ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म में है ये अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के तौर पे, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्लांट्स के लिए प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मदद से। और फिर वो नाइट्रोजन वो एयर से नहीं लेते हैं, कंपाउंड फॉर्म में लेते हैं। और वो कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होने के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और एक होता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इन दो तरीकों से आपका नाइट्रोजन जो है वो कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट्स उसे ही लेते हैं प्रोटीन्स बनाने की मदद के लिए, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है क्लास।